चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द गिवन स्टेटमेंट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, आउट ऑफ विच टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन एंड ऑल इट्स एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस, कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां देखिए जो स्टेटमेंट दी गई है आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करना, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, कोई सा भी ट्रायंगल हो यहाँ पे इक्विलेटरल दिया गया, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगन होता है जो कि क्या होता है, जो कि मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, जो कि किससे बना होता है, थ्री लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, आउट ऑफ विच टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड वन, जिसमें से कोई दो लाइन सेगमेंट जो होती है, जो तीसरी होती है उसके इक्वल होते हैं, वन एंड इसके बाद दिया गया एंड ऑल इट्स एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, और जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स कितने कितने होते हैं, 60 डिग्री ईच, यानी तीनों एंगल 60 60 60 होंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस, तो अब इस ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें जितने भी टर्म्स यूज्ड हो रहे हैं, जितने भी टर्म सबको क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी उनकी डेफिनेशन बतानी है, कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपसे पूछ रहा है क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स यानी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिया है, द टर्म्स नीड टू डिफाइंड एज, अब इस स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स हैं, जितने टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं उनको हम डिफाइन कर दे रहे हैं, आया कौन कौन सा, देखिए एक तो आया है पॉलीगन आया है, पॉलीगन के बाद एक लाइन सेगमेंट आया, देखिए लाइन सेगमेंट आया, पॉलीगन आया, लाइन सेगमेंट आया, और क्या आया, एंगल आया, देखिए एंगल आया, एंगल के बाद और क्या आया है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, और 60 डिग्री आया है ना, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री का मतलब क्या, 60 डिग्री कौन सा एंगल, 60 डिग्री अक्यूट एंगल है, तो यहां पे कितने पूरे स्टेटमेंट में कितनी चीजें आई, एक तो पॉलीगन आया इसे हमें डिफाइन करना है, दूसरा वर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट इसे डिफाइन करना है, तीसरा क्या है, एंगल इसे डिफाइन करना है, उसके बाद चौथा क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब ये क्या है, अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका मेजर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी 0 से बड़े 90 से छोटे जो एंगल्स होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, जी आया, चलिए इन्हें हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, चलिए सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन में द टर्म्स नीड टू डिफाइन है, ऐसे टर्म्स जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे डिफाइन की जरूरत है, तो हमने लिख लिया पहला क्या लिखिए, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, पॉलीगन जो होता है एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है, क्लोज होता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ तीन लाइन सेगमेंट से क्लोज है ना, ये भी ट्रायंगल, ये क्या है, ये भी क्या है, पॉलीगन है, हमने मान लीजिए ले लिया एक क्वाड्रेटर ले लिया 1 2 3 4 ये फोर साइडेड है, चार साइड से या कह सकते फोर लाइन सेगमेंट से ये घिरा हुआ है, फोर लाइन सेगमेंट से क्लोज है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉलीगन होगा, फाइव साइड का कोई ले लेते हैं, फाइव लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर, सिक्स लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर, कोई भी ले लें, सब सारे क्या है, सारे पॉलीगन है, तो हमने पॉलीगन को हम कह सकते हैं पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर, पॉलीगन एक क्लोज फिगर है बाउंडेड बाय थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, जो कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, बाउंडेड होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है, ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगन की डिफिनेशन, ये पॉलीगन की डिफिनेशन हो गया। दूसरा हमने लिया देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है वो भी क्या कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट जो है वो किसी लाइन का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई लाइन ले ली, ये हमने लाइन ले ली, अब इसको हम यहाँ से अगर कट करके निकाल दें, मान लीजिए हमने लाइन ले ली ए बी, हमारे पास एक लाइन है ए बी, अब इसको हम यहाँ से कट करके निकाल दें, अगर तो यहाँ कट करके निकालेंगे तो ये क्या आएगी, जो पार्ट आएगा इस लाइन का, जो पार्ट आएगा जो हमने कट करके निकाला ए बी, वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये क्या है, इसके एंड पॉइंट है, यानी हम ना तो इसे हम आगे इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो उधर, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हमने देखिए लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी ये किसी लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे देखिए एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के बाद चलिए हम आते हैं एंगल्स पे, एंगल्स क्या होता है, देखिए एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज विद वन कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है, किसी कॉमन इनिशियल पॉइंट से दो रेज, यहाँ देखिए एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज, एंगल जो बनता है वो कैसे बनता है, दो रेज से, दो किरणों से, विद वन कॉमन इनिशियल पॉइंट, और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे यहाँ देखिए ये मान लीजिए हमने लिया एक कॉमन इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहाँ इसको पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है, अब यहाँ से एक रे ये आई और एक रे ये आई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, एंगल, यहाँ देखिए कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या ले लिया, ओ ले लिया और एक रे ले लिया हमने ओ ए,
और एक रे ले लिया हमने ओ बी, कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ है और कॉमन इनिशियल पॉइंट से एक रे क्या गई ओ ए, दूसरी रे ओ बी। तो आप देख रहे हैं और यहाँ पे इस ओ ए और ओ बी के बीच का जो यहाँ पे झुकाव होगा वहां पे क्या बनता है एंगल, इसी को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा गया एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज विद वन कॉमन इनिशियल पॉइंट, टू रेज देखिए एक रे ओ ए एक रे ओ बी और वन इनिशियल पॉइंट कॉमन इनिशियल पॉइंट ये ओ, तो आप जान गए ये क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसके बाद अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल आपको पहले बताया गया एंगल हूज मेजरमेंट इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो वो क्या होंगे अक्यूट एंगल होंगे, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा। चलिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन एंड पॉइंट आर अनडिफाइंड टर्म, अगर इसमें हम लाइन की बात करें लाइन लाइन समझ रहे हैं ये है लाइन इसकी और पॉइंट पॉइंट एक डॉट, ये दोनों क्या अनडिफाइंड टर्म्स, यानी इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट क्या है इसकी ना तो लेंथ होती है ना तो ब्रेथ होती है, केवल एक पोजीशन होती है, ये एक डॉट रख दिया एक पोजीशन है ये क्या है पॉइंट है, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। एक लाइन है, अब लाइन आपको पता है लाइन जो होती है वो भी क्या होती है इसको इसका कोई इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, यहाँ पे देखिए इधर भी डायरेक्शन होता है इधर भी डायरेक्शन होता है, यानी इसकी कहीं पे भी हो सकती है, ये दोनों साइड वो साइड इंडेफिनेटली कहीं तक भी प्रोड्यूस हो सकती है एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, इसलिए लाइन को भी हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए लाइन और पॉइंट को क्या कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स, यहाँ लिख दिया गया लाइन एंड पॉइंट आर अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, चलिए ये हो गया, अब इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, इतना तो क्लियर हो गया ना, अब आगे आपसे बोल रहा है आपने देखिए जितने आपको टर्म्स मिले थे जितने आपको यहाँ पे वर्ड्स मिले थे उनको डिफाइन कर दिया और जो अनडिफाइंड थे उसको भी लिख दिया कि ये लाइन और पॉइंट क्या है अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता तो इनको भी लिख दिया। अब आगे पूछ रहा है फिर आगे कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटा दे रही तो हो ही गया, अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन हम लिख दे रहे हैं, चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं, तो इसके लिए आप लिख देंगे आप जस्टिफिकेशन, यहाँ लिख देंगे आप जस्टिफिकेशन। चलिए जस्टिफाई करने के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी साइड ले ली ए ले ली इसको बी ले ली और इसको सी ले ली। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ दिया गया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट आउट ऑफ विच टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन, यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट कह रहा है स्टेटमेंट क्या कहिए कि टू लाइन सेगमेंट यानी ए और बी ये दोनों क्या है थर्ड वन यानी सी वाले के इक्वल है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, यानी ए ये भी सी के इक्वल है और बी ए बी सी के इक्वल है, यानी ये वाली साइड भी इसके इक्वल है और ये वाली साइड भी इसके इक्वल, ये स्टेटमेंट में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक्सियम नंबर फर्स्ट यूज करें यहां लिख सकते हैं बाई एक्सियम फर्स्ट, तो एग्जाम फर्स्ट है क्या आपको पता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी सेम चीज के इक्वल है तो अपने आप में भी इक्वल होंगी, जैसे ए देखिए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो सेम थिंग है यहाँ भी सी है ना, तो यानी ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होंगे, देखिए ए बी सी के इक्वल बी बी सी के इक्वल, यानी ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होंगे, कैसे एग्जाम नंबर फर्स्ट से थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये हो गया, अब चलिए हम आते हैं दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब सारे एंगल्स भी हमें इक्वल दिखाने हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम मान ले रहे एक्स, इसको हम ले रहे वाई और इसको ले रहे जेड, ये एंगल एक्स ले लिया ये वाला वाई ले लिया और ये वाला जेड ले लिया। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से अगर यहाँ पे आप देखें एंगल एक्स कितना इक्विलेटरल कह रहा 60 डिग्री है तो एंगल एक्स है 60 डिग्री, उसके बाद एंगल वाई कितना है एंगल वाई भी है 60 डिग्री, एंगल जेड कितना है एंगल जेड भी 60 डिग्री है। अब यहाँ देखिए सेम एक्सियम, यहाँ पे देखिए यूजिंग सेम एक्सियम एज यूजिंग है एज यूजिंग सेम एक्सियम, यानी जो फर्स्ट वाली आपने यूज की थी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वही वाली एक्सियम से ये भी हो जाएगा, देखिए एक्स भी 60 वाई भी 60 जेड भी 60, यानी क्या है आपस में क्या है ये थिंग्स इक्वल है, और जब ये इक्वल है यानी कि एंगल जो है आपके
एक्स वाई और जेड ये भी क्या होगी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपने जस्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है, आपने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं इजिली, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। ये क्या है, एंगल का साइन है, एंगल का सिंबल, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल का सिंबल ऐसे बनता है ऐसे करके, ठीक है, ये ठीक है, कर लीजिए।